नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टीएस राहुल ब्लॉग्स। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेट है लखनऊ में, और इस पर हम पूरा बात करने वाले हैं, रिव्यू करेंगे। और आपको पता ही होगा कि मैं जो भी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करता हूँ, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे कि वहाँ पर जाने का जो रूट है वो क्या है। और आप पहले ही आपको बता दिए कि ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और वहाँ से जाने के लिए कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस बताएंगे, वहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड है, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। रैंकिंग की बात करेंगे, प्लेसमेंट रेशियो कितना है, हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल में क्या क्या प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फैकल्टी कैसे हैं, तो ओवरऑल सारी जानकारी इसमें हम बताएँगे। इवेंट के बारे में भी बताएँगे और कैंपस टूर का भी वीडियो इसमें ही इंक्लूड है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इस बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, जो कि शॉर्टकट में उसको BBDU कहा जाता है। दोस्तों इसका एड्रेस है फिरोजाबाद रोड, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 22-60-28, ये इसका पिन कोड है बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी। ये प्रसिद्ध है, आप लखनऊ में कहीं से भी पूछेंगे तो टैक्सी, आप ओला वगैरह बुक करके वहाँ पर जा सकते हैं। मेजर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से वहाँ से आपको 18 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा आपको बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी। आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट भी वहाँ पे है, एयरप्लेन से आते हैं तो एयरप्लेन की दूरी 30 किलोमीटर है, वहाँ से भी आपको टैक्सी मिल जाएगा। तो ये है ओवरऑल कनेक्टिविटी की बात, और आप बसेस के थ्रू आप कैसे भी करके वहाँ पर आप जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लखनऊ एक राजधानी है। तो बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आके आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इस ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन भी प्रोसेस यहीं से ही होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए, मतलब ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आप यहाँ पर जाएँ, और यूनिवर्सिटी को देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग चालू है, 7 राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नवंबर 2023 और 24 के डेट हैं, यहाँ पे नवंबर 23-24 से चालू हैं, तो आप जो एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आप कोर्सेज की बात कर लें, पहले कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे बी फार्मा, जिसका 4,08,000 इसका फ़ी है, 10+2 पे 50% चाहिए एलिजिबिलिटी, तो एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। MBA के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच पैसा लगेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन है जो मीट, एक्स्ट एंड और बहुत सारे यहाँ पे कैट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे होता है। बी और बीटेक के 14 कोर्स यहाँ पे अप्लाइड हैं, 14 कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, और बीटेक के लिए ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ पर करवाए जाते हैं, BBA है, BCOM है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताया हुआ है कि कितना परसेंट चाहिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। अब कोर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे LLM है, बी फार्मा है, MSc है, MDS है, MCOM है, MBA है, MTech है, ME भी है, ME जो ओल्ड कोर्सेस हैं, बी और ME मेन ब्रांच होता है, और MTech है, तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे सर्टिफाइड कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसका फ़ी काफ़ी कम है। PG डिप्लोमा भी करवाया जाता है, तो ये काफ़ी सारे कोर्स हैं जो बाबूदास बनारसी यूनिवर्सिटी में सारा ये करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलते हैं, इसके लिए आपको 90% से प्लस आपको अगर आपका नंबर है 12th में, तो आपको 85% तक UG लेवल के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और 100% ट्यूशन फी, मतलब 85% मार्क से ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आप इस यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 10+2 पे 100% अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 90% स्कोर करना पड़ेगा, और अगर 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 85% मार्क्स रहना चाहिए, और 80% से एवव रहेगा तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो ये था आपको ग्रेजुएशन के लिए, PG के लिए और UG के लिए।
स्कॉलरशिप की हमें आईआईटी लेवल पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कितने जनरल रैंक पे आपको कितना 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ पढ़ सकते हैं कि किस लेवल से आप हैं, कैट हो मैट हो, इसी हिसाब से। और स्कॉलरशिप का बहुत सारे लेवल हैं यूजी पीजी के लिए, तो ये है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं आप। तो लाइब्रेरी यहाँ पे है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, और ये बेल स्टॉक सेंट्रल लाइब्रेरी है। 2 लाख+ बुक हैं, ई लाइब्रेरी भी की सुविधा उपलब्ध है, ई जर्नलिज यहाँ पे है, IEEE यानी बुक सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, साइंस डायरेक्टली या साइंस डायरेक्ट का यहाँ पे है सुविधा, और पेपर वगैरह भी तो ये लाइब्रेरी वगैरह में अपडेट होते रहते हैं। और लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, काफ़ी मतलब अच्छा है। हॉस्टल की फैसिलिटी की बात की जाए तो 2000+ बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स रिस्पेक्टली अवेलेबल इन द कैंपस हॉस्टल में रहते हैं अवेलेबल। बॉयज़ हॉस्टल के लिए शेयर्ड रूम्स भी है और इन कैंपस में है, गर्ल हॉस्टल के लिए शेयर्ड रूम मिल जाएगा, इन कैंपस में ही मिलेगा आपको। अवेलेबल फैसिलिटी क्रिकेट ग्राउंड है और टेबल टेनिस के लिए ग्राउंड है। लैब्स भी काफ़ी यहाँ पे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का लैब है, केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, लैंग्वेज लैब है, मैकेनिकल लैब है, फिजिक्स लैब है, और यहाँ पे कोर्ट ला के लिए भी है, कैंटीन है, जिम है, हॉस्पिटल है, वाईफाई कैंपस है, अदर बस है, एडिटोरियम भी उपलब्ध अवेलेबल है, और बसेस सर्विस भी यहाँ पे चलती है। तो ये हुआ, बैंक वगैरह भी यहाँ पे है, स्टूडेंट के लिए मॉल भी है, BBDFM, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात की जाए प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट के लिए ये बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट कीजिएगा, तो इनका मेन वेबसाइट पे इतने सारे रिक्रूटमेंट, इतने सारे कंपनी का इसमें दिया हुआ है कि इन लोग आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, यानी प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट कंपनियाँ हैं ये, इन्फोसिस, पेटीएम, टाटा पावर, VI एंड HCL, ये काफ़ी पॉपुलर कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे जॉब ऑफर करती है। अडानी भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अडानी देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाती है, विप्रो भी है। तो ये करवाती तो हर एक यूनिवर्सिटी में है, बट यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे जाते होंगे। इनके वेबसाइट पे भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप कितने बच्चे कहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, इस तरीका के आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिम वगैरह का यहाँ पे बताया हुआ है, और ये भी दिखाया हुआ है कि कहाँ पे कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ये था, हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी हम बता दिए, कैंपस टूर का वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, हमारे ही इसी आगे मिलेगा आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन इन GPTA 2022, और इतना रैंक आया है आपका इंडियन रैंक पे, तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ये जो फेक तो नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अप्लाई के लिए एडमिशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, सबमिट कर सकते हैं। 2022-23 के लिए एडमिशन यहाँ पे ओपन है, आप यहाँ पे फिल करके आप सबमिट करिएगा तो हो जाएगा। और अगर कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसके अनुसार या कुछ बातें रह गई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं कैंपस टूर के लिए, और उसके बाद फिर हम आपको सारा इवेंट वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm gonna feel like this, I'm immortal. I'm gonna feel like this.
I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Bye.
सुपर सुपर हिट बनाया, क्योंकि आप लोगों ने सुना हम जैसे आर्टिस्टों का गाना चला। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ गाओ, बुल्ला के दी लाहौर दिया, बुल्ला के दी पंजाब दिया, आओ गाएं, बुल्ला के दी लाहौर, बुल्ला के दी पंजाब दिया, आओ गाएं, बुल्ला के दी लाहौर दिया, जिस हिसाब ना, बुल्ला के दी पंजाब दिया, जिस हिसाब कुड़ी दा, वो कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया, केड़े शहर दिया, बुल्ला के दी लाहौर दिया, मैनू लखनऊ दी लगदी आ। अपने बुजुर्गों के लिए, अपने मॉम डैड के लिए क्लैपिंग करते हैं, दिल से क्लैपिंग करनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी का रिव्यू वीडियो। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो द ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सहारनपुर में है उसका वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।